हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आरआरबी सिलीगुड़ी की तरफ से अभी एक नोटिस जारी किया गया है। 22 तारीख यानी आज को एक नोटिस जारी किया गया है। आरआरबी जो एग्ज़ाम लेने वाला है, एसआई का सब इंस्पेक्टर, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम लेने वाला है, उसके जो सिटी इंटीमेशन के लिए उसने एक नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें कैंडिडेट अपना लॉगिन करके अपना सिटी इंटीमेशन देख सकते हैं, यानी किस कैंडिडेट का कहाँ पर सेंटर गया हुआ है और एग्ज़ाम आपका किस डेट में होगा। तो चलिए देखिए, हमने आरआरबी सिलीगुड़ी की वेबसाइट ओपन कर रखी है, इसमें देखते हैं कहां पर वो नोटिस जारी किया गया। चलिए आगे चलते हैं, इसमें देख लेते हैं। ये आरआरबी सिलीगुड़ी की जो वेबसाइट है वो हमने ओपन कर रखी है। इसमें देखिए, यहां पर सीएन नंबर आरपीएफ 01/2024 रिक्रूटमेंट फॉर सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव, क्लिक हियर फॉर सिटी इंटीमेशन एंड हेल्प डेस्क। यानी आपका जो सिटी है वो आपका इसमें दिया गया है, कौन सी डेट को आपका एग्ज़ाम होगा वो इसमें दिया गया है, और किसी भी क्वेरी के लिए आपको यहाँ पर जो नंबर हैं वो दिए गए हैं, जिस पे आप फ़ोन करके उससे बातचीत कर सकते हैं और अपनी जो भी क्वेरी है उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कैसे आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर क्लिक किया पर ये इसे ओपन किया और इसने कैंडिडेट लॉगिन लिख के आ रहा है। लॉगिन टू व्यू डाउनलोड सिटी इंटीमेशन स्लिप और ई कॉल लेटर। जिस कैंडिडेट का केवल अभी आरआरबी सिलीगुड़ी की तरफ से जारी किया गया है, ये चीज़ एसआई के लिए है, ये ध्यान रखना है, अभी कांस्टेबल के लिए नहीं आया है। यानी आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के लिए ये चीज़ अभी आई है सिटी इंटीमेशन, और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए अभी थोड़ा सा इंतज़ार आप लोगों को करना पड़ेगा। और अभी आरआरबी सिलीगुड़ी की तरफ से ये जारी किया गया है और किसी आरआरबी की तरफ से अभी ये जारी नहीं किया गया है। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे। कैंडिडेट कैन गो rrbapply.gov.in। इससे पहले वीडियो में भी यही जो वेबसाइट है वो दी थी, rrbapply.gov.in पर आपको जाना है एंड गेट हिज हर एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर यूजिंग हिज हर क्रेडेंशियल और चेक योर रजिस्टर्ड ईमेल। मान लीजिए अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं या आपका कहीं गुम हो गया है, तो इस वेबसाइट पर जाकर जो आपने ईमेल आईडी रजिस्टर्ड करी, तो वहाँ पर फॉर्म फिल करते टाइम आपने जो ईमेल आईडी इसमें डाली थी उसको अगर वहाँ पर डाल देंगे तो वहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर निकल कर आ जाएगा। हेल्प डेस्क के लिए देखिए टाइमिंग है मंडे टू सैटरडे 9 to 6 PM। जो भी आपकी क्वेरी रहती है, जो भी आप उनसे सवाल पूछना चाहते हैं, जो भी आपकी दिक्कत है आरआरबी इससे एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो आप इन जो नंबर दिए गए हैं उन पे 9 बजे से लेकर 6 बजे तक पूछ सकते हैं। अब देखिए लॉगिन कैसे करेंगे। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं या आपका कहीं गुम हो गया है, तो आप rrbapply.gov.in पर जाकर अपना वहाँ पे ईमेल द्वारा भी ढूंढ सकते हैं, क्रेडेंशियल द्वारा भी ढूंढ सकते हैं, कैसे भी आप ढूंढ सकते हैं, तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आराम से मिल जाएगा। वो आप उसके बाद यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल देंगे, जो भी आपका पासवर्ड है, जो डेट ऑफ बर्थ, मोस्टली डेट ऑफ बर्थ पासवर्ड बनाया गया। यहाँ पर आपको अपना तारीख डेट भरना है, यहाँ पर मंथ भरना है, यहाँ पर ईयर भरना है, तो आपका यहाँ से पासवर्ड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से कैप्चा डाल के यहाँ से लॉगिन करके अपना जो भी सिटी इंटीमेशन है वो अपना प्राप्त कर सकते हैं। यानी आपका एग्ज़ाम किस सिटी में होगा, किस डेट में होगा, ये आरआरबी सिलीगुड़ी की तरफ से ये चीज़ जारी कर दी गई है। क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि टिकट बुक नहीं हो पाते हैं, कभी कभी दो महीने तक की वेटिंग रहती है, इसलिए उसकी सहूलियत के हिसाब से आप लोगों को ये सिटी इंटीमेशन पहले से इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आप लोग अपना टिकट टाइम से बुक कर सकें। चलिए और जो भी अपडेट आएगी वो हम आपको बताएंगे। यहाँ से आप लॉगिन करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या और पासवर्ड डालकर आप इसे लॉगिन करके अपना सिटी देख सकते हैं। और आगे भी जो भी न्यूज़ रहेगी अगर कांस्टेबल के बारे में आती, तो हम पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।